हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो चलिए हम लोग देखते हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, सीसीएस यूनिवर्सिटी हो या फिर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, ठीक है, मेरठ या सहारनपुर, दोनों में से कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो दोनों का सेम सिलेबस है। क्या सिलेबस है उस बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक देखिए। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेपर की। एक होता है सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, जो ये अपना मेजर सब्जेक्ट है, ये अपना मेन सब्जेक्ट है, मुख्य विषय। उसके बाद जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा मेन पेपर है, मेजर सब्जेक्ट, इसके अंदर तीन पेपर है। वो तीन पेपर कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट पेपर है, सबसे फर्स्ट पेपर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कौन सा है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट जो पेपर रहने वाला है आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, वो है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और सेकेंड पेपर वो है आपका बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस स्टैटिक्स। और जो आपका थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में देखिएगा, ये थोड़ा समझने का है। थर्ड पेपर आपके सामने चॉइस है, आपको कॉलेज वाले दो में से कोई भी एक पेपर सेलेक्ट करवाएंगे। वो दो पेपर कौन कौन से हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन और, ठीक है, यहां पे क्या है, और इसका जो सेकंड है वो है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए यहां पे थोड़ा समझने की बात यह है कि जब आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस सर्च कर रहे हैं और ये आपको मिल भी गई वीडियो, तो इसमें से क्या करना है कि आपको आपका जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, जो सिलेबस रहेगा, दो तो ये लेने ही लेने हैं, ये तो कंपलसरी है, इसमें कोई इशू नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एनी वन, ठीक है, कोई भी एक सिलेक्ट करना है। कितना सेलेक्ट करना है? वन। इन दोनों में से चाहे तो आप कम्युनिकेशन ले लें या फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लें, ठीक है, आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। चलिए ये हो गया मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, मुख्य विषय। उसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट होता है माइनर, कौन सा होगा? माइनर, माइनर जो सब्जेक्ट है, ये माइनर की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपका जो कॉलेज है वो आपको माइनर का कोई भी सब्जेक्ट दे सकता है, लेकिन ये जो माइनर का सब्जेक्ट है ये आप कॉमर्स ग्रुप से नहीं लेंगे, ठीक है, इस बात को समझिएगा, थोड़ा बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है। जो माइनर सब्जेक्ट है ये आपको साइंस से लेना पड़ेगा या फिर आर्ट से लेना पड़ेगा, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉलेज वाले आपको सेलेक्ट करके खुद बताएंगे कि आपको कौन सा माइनर सब्जेक्ट दिया गया है। दूसरी बात, इसमें दूसरी एक अच्छी बात यह है कि जैसे कॉलेज वालों ने सेलेक्ट कर दिया, सपोज करिएगा कि हम लोग बीकॉम का सिलेबस देख रहे हैं और उन्होंने हमें कोई आर्ट का सब्जेक्ट दे दिया, जैसे कार्यालय हिंदी दे दिया या फिर कोई साइंस का सब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, या अपना एक आर्ट के अंदर बीए के अंदर एक सब्जेक्ट है बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्या है? बेसिक इकोनॉमिक्स, वो दे दिया आपको माइनर में, बेसिक इकोनॉमिक्स। ये जो सेलेक्ट करेंगे कॉलेज वाले करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये माइनर सब्जेक्ट दिया गया है। यहीं पर एक बात और नोट करने की है कि जब आपको माइनर सब्जेक्ट का अलॉटमेंट होगा, जरूरी नहीं है कि आपको मैं फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस दिखा रहा हूं तो ये माइनर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही दिया जाए, नहीं, ये हो सकता है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में दिया जाए। जो माइनर सब्जेक्ट है वो आप या तो फर्स्ट सेमेस्टर में लेंगे, कब लेंगे? फर्स्ट सेमेस्टर, या फिर वो माइनर सब्जेक्ट आप सेकंड सेमेस्टर में लेंगे,
यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर के अंदर हमें माइनर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, चयन करना है। उसके बाद ये हो गया माइनर, मेजर, माइनर। उसके बाद माइनर के बाद आएगा को कैरिकुलर, को कैरिकुलर। कैरिकुलर ठीक है, ये अपना को कैरिकुलर कोर्स है, ये आए को कैरिकुलर। जो ये को कैरिकुलर है ये फिक्स है, हर सेमेस्टर के अंदर अलग अलग मिलेगा, हर सेमेस्टर में मिलेगा को कैरिकुलर। जैसे फर्स्ट में है हेल्थ, हेल्थ करके है, फर्स्ट ऐड करके है, ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, को कैरिकुलर कोर्स मिलेगा। उसके बाद एक पेपर और मिलेगा आपको जिसका नाम होगा वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल, वोकेशनल कोर्स, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है मेजर, माइनर, को कैरिकुलर और वोकेशनल सब्जेक्ट। इसी वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि क्रेडिट कितना मिलेगा। देखिए पहले जो एग्जाम हुआ करते थे वो नंबरिंग के बेस पर थे, लेकिन अब से जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है एनईपी, तो ये जो बता रहा हूँ ये सब कुछ एनईपी के अकॉर्डिंग है। तो एनईपी में अब जो है ना, एनईपी के अंदर अब जो मार्कशीट है वो ग्रेडिंग के बेस पर आएंगी। किसके बेस पर आएंगी, ग्रेड मिलेगा, ठीक है। जैसे सीबीएसई के बच्चे जानते हैं ग्रेड कैसे मिलता है, तो ग्रेड के बेसिस पर यहाँ पे मार्कशीटें बनती है। तो देखिए मैं एक बात करूंगा क्या कि इसका ग्रेड कितना है, ग्रेड कहिए या फिर क्रेडिट, कि इसका क्रेडिट कितना है। तो देखिए जो सब्जेक्ट है इसका 6 क्रेडिट है, इसका भी 6 क्रेडिट है, और इन दोनों में से जो भी हम एक लेंगे उसका भी कितना क्रेडिट रहेगा, 6। तो ये अपना क्रेडिट है। उसके बाद बात करेंगे बेसिक इकोनॉमिक्स की, कि जो बेसिक इकोनॉमिक्स है ये जो माइनर सब्जेक्ट है माइनर का कितना क्रेडिट रहने वाला है, माइनर का क्रेडिट रहेगा 4, ठीक है, कितना क्रेडिट रहेगा 4। और जो ये को कैरिकुलर वाला कोर्स है, ये वाला जो को कैरिकुलर वाला कोर्स है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो वोकेशनल कोर्स है, कौन से वाला, वोकेशनल कोर्स, ये जो वोकेशनल कोर्स है इसका क्रेडिट है 3, कितना क्रेडिट है 3। तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया, टोटल कितने क्रेडिट हो गए, 6, 12 और 6, 18, 18 और 4, 22, 22 और 3, 25। तो टोटल कितने क्रेडिट हो गए, 25, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा वो 25 क्रेडिट का रहेगा। अगर आपके कॉलेज वाले आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर माइनर नहीं देते, ये भी समझिए 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट नहीं है, आपके कॉलेज वाले कहने लगे कि भैया आपको जो माइनर सब्जेक्ट है वो सेकंड सेमेस्टर में दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको माइनर नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर आपका जो रहेगा क्वालिफाइंग वाला रहेगा और 3 इसके क्रेडिट रहेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 6, 18, 18 और 3, 21, ठीक है, कितना रहेगा 21। अगर आपको माइनर फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं दिया गया तो सेकेंड में दिया जाएगा, और अगर सेकंड में नहीं दिया गया तो फर्स्ट में दिया जाएगा। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, 2 सेमेस्टर में से किसी भी सब्जेक्ट, कहीं भी किसी भी सेमेस्टर में एक माइनर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। टोटल मिलाकर के 2 सेमेस्टर, जब हमारे 2 सेमेस्टर हो जाएंगे तो वो उनका जो क्रेडिट होगा टोटल वो 46 होगा। वो तो बात की बात है, जब आप लोग जब रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएंगे, वो आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे जो क्रेडिट रहने वाले हैं एक ईयर के वो कितने हो जाएंगे, 46। तो अब हम लोग, ये मैंने सिलेबस बता दिया आप लोगों के कि आपके पास कौन कौन से पेपर है, कौन कौन से जो है पेपर रहने वाले हैं। सबसे पहले मेजर है, माइनर है, ठीक है, माइनर है, और उसके बाद को कैरिकुलर और वोकेशनल कोर्स के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं क्या कि ये सब्जेक्ट कैसा है, ये थ्योरेटिकल है, ये कैसा है, ये न्यूमेरिकल है, और ये कैसे है, ये सब थ्योरेटिकल है, ये भी अपना थ्योरेटिकल रहेगा। और उसके बाद जो एक वोकेशनल कोर्स है
इसका जो एग्जाम है आपके कॉलेज लेवल पे होगा, को कैरिकुलर, ये भी थ्योरी का है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे पैटर्न, ये जो पेपर है जब सेमेस्टर फर्स्ट की परीक्षाएं होंगी सारी की सारी आपकी डेस्क्रिप्टिव नेचर होगी। डेस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आएंगे, वेरी शॉर्ट आएंगे और आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब लेकिन जो को कैरिकुलर कोर्स है, ठीक है, इसका जो पैटर्न रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। कैसा पैटर्न रहेगा? एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। बाकी सभी डेस्क्रिप्टिव होंगी, लिखने की होंगी, कॉपियों में क्वेश्चन लिखने हैं, शॉर्ट भी लिखने हैं, वेरी शॉर्ट भी लिखने हैं और लॉन्ग भी लिखने हैं, लेकिन को कैरिकुलर का जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं एग्जाम का कि जो इसके मार्क्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। इसके मार्क्स की बात करेंगे, देखिए अगर हम लोग इनके मार्क्स की बात करें, ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 25 इंटरनल और 75 एक्सटर्नल, ये भी 100 मार्क्स का है, 25 और प्लस 75, ये इंटरनल एग्जाम के बेस पर मिलेंगे, ये आपको जो कॉलेज से बाहर एक्सटर्नल मेन एग्जाम होंगे उसके बेस पर, ये भी 100 मार्क्स का है, 25 प्लस 75। ये जो माइनर है इसका भी, इनका भी ऐसे रहेगा। तो ये अपना पैटर्न है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद हम लोग अलग अलग सेमेस्टर का, जितने भी सेमेस्टर हैं सभी सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।